गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को डिटेल से समझा था डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। उसके बाद अपन ने डीएनए रिपेयर या डीएनए सुधार का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। तो ध्यान से सुने, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक तो मैंने नाम बताया था आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, इन दोनों के नाम अपन ने सुन रखे हैं। इसे बोलते हैं अपन जैव प्रौद्योगिकी, यही बोलते हैं, और इसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यह दोनों जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, इनमें जीवों में सुधार का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? जीवों में सुधार का अध्ययन किया जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और जो बायोटेक्नोलॉजी है, यह बायोलॉजी की तो ऐसी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं जिनमें जीवों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। अब जीवों में सुधार मारपीट कर तो करेंगे नहीं अपन, ठीक है। कैसे करना है कि उनमें कोई कमी हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो उन्हें पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, तो उस बीमारी को, उस डिजीज को दूर करने के लिए अपन डीएनए में, उनके डीएनए में सुधार करते हैं। तो एनिमल्स में अनेकों रोग, जिन्हें बोलते हैं अपन डिजीज, आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है। जैसे कौन कौन सी रोग आनुवांशिक है, आपने नाम सुने होंगे, हीमोफीलिया, नाम सुना है हीमोफीलिया का। एक है मधुमेह, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, और एक है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। हीमोफीलिया, मधुमेह, ब्लड कैंसर जैसे जो रोग है, डिजीज है, यह आनुवांशिक होते हैं और यह रोग जीन में विकृति उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं ये तीनों रोग? जीन में विकृति उत्पन्न होने के कारण, यानी जैसे मैं हूं, मेरे अगर जीन में अचानक ही कोई उत्परिवर्तन हो जाए या विकृति आ जाए तो ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि उसको ब्लड कैंसर का पता ही नहीं चला और उसकी अचानक की मृत्यु हो गई, लास्ट स्टेज में चल रहा था इसलिए मृत्यु हो गई। तो ब्लड कैंसर मान लो कि उसको था, यानी कि उसका जीन विकृत था, और उसके जो आने वाली पीढ़ी है, मान लो कि उसमें भी ये जीन संचरित हुआ है ब्लड कैंसर का, तो उनमें भी ये डिजीज होगी। तो इस तरह से जो आनुवांशिक बीमारियां होती है स्पेशली, उनको डीएनए सुधार या डीएनए रिपेयर के माध्यम से इन डिजीज से अपन आसानी से बच सकते हैं, जिनको अपन
डीएनए का सुधार करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में। ये बायोटेक्नोलॉजी आपके बीएससी सेकेंड ईयर में चलेगा, थर्ड पेपर, तो वहां पे अपन इसकी डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आगे समझना। अब ये जो विकृत डीएनए है, जो विकृत डीएनए है या उत्परिवर्तन, या तो विकृत डीएनए या उत्परिवर्तन, विकृत डीएनए या उत्परिवर्तन, जिसे बोलते हैं अपन म्यूटेशन, या तो डीएनए में विकृति आ जाए या डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाए, तो इन दोनों के आधारभूत कारण डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का परिवर्तित अनुक्रम, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का परिवर्तित अनुक्रम या पर न्यूक्लियोटाइड्स में क्षारकों का, न्यूक्लियोटाइड्स में क्षारकों का परिवर्तित अनुक्रम को अपन क्या बोलेंगे? विकृत डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकृत डीएनए। विकृत डीएनए में क्या होता है? या तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन में क्या होता है? डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो क्षारकों का अनुक्रम है वो परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे होता है? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डायग्राम बना के बताया भी था, जैसे थायमिन डाइमर बन गया, लेकिन होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज के माध्यम से वांछित क्षारक अनुक्रम जोड़े जाते हैं। वो कैसे जोड़े जाएंगे उसको समझने के लिए अपन इस विधि को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि अपने को समझने में आसानी रहे। क्लियर है? जैसे फर्स्ट स्टेप, साइड में अपन डायग्राम भी बनाएंगे, जैसे ये कोई डायग्राम या कोई डीएनए है, ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ये इसमें नाइट्रोजन बेसिस, जैसे यहाँ पे गुआनिनोसिन डबल ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिनोसिन, कुछ भी आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन। मान लो कि यहाँ पे डीएनए में विकृति आ गई, थायमिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, ये मैंने इसको एक लाइन में बंद कर दिया है, ये अपने पास एक विकृत डीएनए है या म्यूटेट डीएनए है, इसको सुधारा कैसे जाए, उसको सुधारा कैसे जाए, इसकी स्टडी अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट विधि ये है कि इस विकृत डीएनए में या इस विकृत डीएनए के स्पेशल भाग पर या पॉइंट पर दो प्रतिकृति द्विशाखाएं या रेप्लिकेटिंग फोर्क बनती है, जो अपन डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं। क्या बनेगी? डीएनए के विशेष भाग पर प्रतिकृति द्विशाखा, जिसे अपन बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फोर्क, बनती है।
यानी कि ये दोनों चेन अलग अलग हो जाएगी। स्पेशल भाग से जैसे यहाँ पे ये सुधार करना है तो इसी भाग से होगा ये स्टार्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, लाइगेज सॉरी हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम पढ़ा है अपन ने पहले, हेलिकेज एंजाइम डीएनए के उस भाग की चेन्स को या कुंडलन को खोल देगा। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के कुंडलन को खोलकर दोनों चेन्स को अलग अलग कर देगा। यानी डीएनए जो सॉरी हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इस स्पेशल भाग से डीएनए कुंडलन को खोलकर दोनों चेन्स को अलग अलग कर देगा। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आरंभन बिंदु, इसे अपन क्या बोल रहे थे, ओरिजिन पॉइंट या इनिशिएशन पॉइंट, यहां पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ जाएगा और उसके बाद ही डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए सुधार की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की उपस्थिति में जो वांछित नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम चाहिए अपन को यहां पर, वो आकर जुड़ना यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनको अगले स्टेप में लाइगेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाएगा या जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से अपन एक वांछित प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारकों को अवांछित क्षारकों के स्थान पर आसानी से जोड़ सकते हैं या डीएनए में सुधार कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इनको अपन डायग्राम में शो करेंगे तो ये विधि अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतना समझ में आया, स्टेप्स मैंने आपको बता दी है सारी की सारी, यहां पे कौन से स्टेप में क्या हो रहा है अब डायग्राम में अपन समझेंगे। स्टेप्स तो अपन ने समझ लिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, कोई हार्ड नहीं है क्योंकि अपने ये पहले थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, जैसे यहां पे ये है थायमिन डाइमर, थायमिन डाइमर, ठीक है, तो अपन ने कुछ एंजाइम्स पढ़े हैं अगर आपको याद हो, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे अपन एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज के भी शो करेंगे क्योंकि वो भी कुंडलन को खोलने में हेल्प करते हैं। सेम वही डायग्राम लेकिन इसमें कुछ नया शो करेंगे अपन। यहाँ पे थायमिन डाइमर था ये वाला, तो यहाँ से एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के विशिष्ट सारकों के अनुक्रम पे कट मारेगा। यानी कि एक्सोन्यूक्लिएज तो स्वतंत्र सिरों पर रिएक्शन कर रहा था, यह एंडोन्यूक्लिएज आंतरिक सिरों पर यानी कि नाइट्रोजनिक सारकों के बंधों पर रिएक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, इसने काम किया है अपना, ये वाला वो भाग है। ये किस कारण हुआ, जैसे यूवी रेडिएशन के कारण हो गया, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं यूवी, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट,
रेडिएशन, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, किरणें होती है जो हानिकारक होती है, उनके कारण अपने डीएनए में यह विकृति आ गई है। ठीक है, इसमें अपन सुधार कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले एंडोन्यूक्लिएज ने इस स्पेशल पॉइंट पर जो थायमिन डाइमर बना था इन बोन्स को तोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या होगा? एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम वर्क करेगा अपना, जिसके कारण क्या होगा? फर्स्ट ईयर की लग रही है, जिसके कारण क्या होगा, यहां पे ये जो चेन है, अपन ने पहले पढ़ा है कि एक्सोन्यूक्लिएज क्या वर्क करता है, यह डीएनए की चेन्स की स्वतंत्र सिरों पर वर्क करेगा और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ग्रुप को अलग करेगा, तो ये चेन यहां से टूट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये टूट कर अलग हो जाएगी ऐसे। तो यहां पे जैसे एक सिक्वेंस थी वैसे शो करेंगे अपन, थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, यहाँ पे थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिनोसिन और एडिनिन डबल बॉन्ड साइटोसिन, ये देख सकते हो आप। इसको अलग कर दिया है यहाँ से, जैसे ये डबल बॉन्ड भी है ये तोड़ दिया था इसने, एक्सोन्यूक्लिएज ने डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के स्वतंत्र सिरों पर काम करते हुए स्पेशल भाग से इस चेन को तोड़ दिया है या खोल दिया है। ठीक है, इस भाग को यहां से कट मार कर अलग कर दिया है, क्योंकि यहां पे थायमिन थायमिन डाइमर था, तो अपन इसको इसे गायब भी कर सकते हैं ऐसे। ये लो, क्लियर है? नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तो था सीक्वेंस, क्या थी? गुआनिनोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन और यहां पे थायमिन थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन एडिनिन, यहाँ पे साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिनोसिन और एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन, यही था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला भाग, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड की उपस्थिति में जो वांछित नाइट्रोजनिक क्षारक चाहिए थे अपन को, यहाँ पे क्या चाहिए थे? एडिनिन, एडिनिन तो था, एडिनिन और एडिनिन तो था अपने पास, कमी किसकी थी? थायमिन की। जो थायमिन डाइमर बना हुआ था उसको तो उठा दिया इन एंजाइम्स के माध्यम से, अब इनकी जगह पर वांछित क्या चाहिए अपन को? थायमिन ही चाहिए, लेकिन डाइमर नहीं चाहिए उनमें, ओनली थायमिन थायमिन चाहिए। तो यहाँ पे एक थायमिन ये जुड़ गया, एक थायमिन यह जुड़ गया। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड की उपस्थिति में। फिर आगे क्या होगा? ये जो गैप रहे हैं इनको लाइगेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाएगा और ये अपना वांछित डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होगी। तो नेक्स्ट डायग्राम अपन जो बनाएंगे वो एकदम सरल सा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होगी। सीक्वेंस क्या थी अपन को पता होना चाहिए, गुआनिनोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, फिर थायमिन डबल बॉन्ड एडिनिन, फिर साइटोसिन, यहाँ पे गुआनिन है, ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन और एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन। अब देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है, यहां पे लिख दे अपन लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो इस तरह से डीएनए में सुधार किया जाता है।
स्टार्टिंग में यहाँ अपन देख रहे थे कि थायमिन थायमिन डाइमर था जो एक प्रकार की विकृति थी, जो एक प्रकार का वांछित डीएनए नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? यूवी किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण हुआ, जिसको अपने सुधार दिया है इस प्रोसेस के माध्यम से। और लास्ट में अपने पास एक अच्छा सा, जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है, वो डीएनए का स्ट्रैंड अपन को ये मिल गया है। इस तरह से कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं जिन्होंने, जिनके अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, जैसे हेमोफीलिया है, ब्लड कैंसर है, मधुमेह जिसे डायबिटीज बोलते हैं, उन बीमारियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये था अपना डीएनए सुधार का या डीएनए रिपेयर का टॉपिक। क्लियरली समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके बाद अपन। अब तक तो अपन डीएनए पे बात कर रहे थे कि डीएनए क्या होता है, किसने इसकी खोज की, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, फुल फॉर्म क्या है, कितने टाइप का होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, और ये डीएनए सुधार क्या होता है। अब अपन सेकेंड नंबर पे बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड पे चल रहे थे अपन, तो फर्स्ट नंबर के डीएनए की अपन ने बात कर ली। अब आरएनए की बात करेंगे अपन, जो सेकेंड टाइप का इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए के बारे में सबने सुना होगा, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। फर्स्ट पे डीएनए, सेकेंड न्यूक्लिक एसिड या केंद्रीय पदार्थ आरएनए। केंद्रक में ये दो ही तो पाए जाते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। तो ये क्या है? सेकेंड इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, यही है, जो प्लांट वायरस, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, कि जितने भी प्लांट वायरस है उनमें उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बजाय आरएनए ही होता है। तो आप फिर से, मैं यहां पे आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि प्लांट वायरस में यह जेनेटिक मॉलिक्यूल होता है। ओनली कहां में? प्लांट वायरस में ही होगा, पादप विषाणुओं में ही होगा। जबकि अदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में यह क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्लांट वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन बाकी की जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनमें यह प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण काम करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, यह आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। सेल के साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, या तो साइटोप्लाज्म मिलेगा और न्यूक्लियोलस में, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, सॉरी न्यूक्लियोलस इसे बोल रहे थे, केंद्रिका, इन दोनों में आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा यह राइबोसोम पर सूक्ष्म कणों के रूप में RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका के ऊपर भी पाया जाता है। इन दोनों के अलावा यह माइटो
कॉन्ड्रिया, नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। इतना तो अपन को पता है कि आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य और इसके केंद्रिका में पाया जाता है, यह राइबोसोम के ऊपर कणों के रूप में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है, एक इनके अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बात करते हैं। यह आरएनए डीएनए के समान लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है? लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल होता है। ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आरएनए है यह डीएनए के समान लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल होता है या अणु होता है। अपन डीएनए के बारे में जानते हैं कि यह दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि ये जो आरएनए होता है यह मोनो न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, या मोनो न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ एक लाइनर पॉलीमर, लाइनर पॉलीमर, पॉलीमरिंस बहुलक। जबकि डीएनए के बारे में पढ़ा है कि यह दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ बहुलक होता है, जबकि आरएनए मोनो न्यूक्लियोटाइड यानी कि इसकी आधी चेन, यानी कि डीएनए के पास दो चेन है तो आरएनए के पास एक ही होगी, लेकिन वो कैसी होगी? डीएनए के समान लंबी होगी, इसलिए यहां पे मोनो न्यूक्लियोटाइड चेन लिखी है जो आपस में मिलकर एक लाइनर पॉलीमर बनाती है या रेखीय बहुलक बनाती है। लाइनर मींस रेखीय, पॉलीमर मींस बहुलक। यह आरएनए डीएनए के समान डबल हेलिक्स में नहीं होता है, यानी कि दोहरे कुंडलन इसमें नहीं होते हैं, यह अकुंडलित होता है, इसलिए लाइनर पॉलीमर बोल रहे हैं अपन। क्लियर है? लाइनर पॉलीमर का मतलब है डीएनए के समान ऐसे नहीं, ये तो डबल हेलिक्स हो गया, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ऐसे मिलेगा। लॉन्ग चेन या दीर्घ अणु तो है लेकिन डबल हेलिक्स नहीं है, दोहरे सर्पिल नहीं है इसके पास, इसलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं? लाइनर पॉलीमर या रेखीय बहुलक। लेकिन कई बार यह मिथ्या कुंडलन बनाते हुए डबल हेलिक्स भी बना सकता है। कैसे? जैसे ऐसे स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे इसने डबल हेलिक्स बना लिया ऐसे। अब देखना, अपन को ये भी पता है कि इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक कौन कौन से पाए जाते हैं, पता है ना अपन को, बस थोड़ा सा अंतर है, वो किसका अंतर है वो भी अपन को पता है। ये एक आरएनए का डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी लाइनर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हो गया एडिनिन, यहाँ पे हो गया थायमिन, इनके आगे भी, यहाँ पे मान लो हो गया थायमिन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन में, तो यहाँ पे थायमिन ना करके अपन यूरेसिल ऐसे। अब यहाँ पे मैं कब बोल रहा हूँ कि लाइनर पॉलीमर होता है, लेकिन कई बार खुद पे ही ये लिपट कर द्विकुंडलन बना लेता है, जैसे ये दोहरे सर्पिल बना लिए इसने, तो यहाँ पे हो गया एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, एडिनिन के साथ थायमिन आता था डीएनए में, लेकिन यहाँ पे थायमिन के स्थान पर क्या है? यूरेसिल है।
तो यही सीक्वेंस इसमें बनी रहती है, बस चेंज करना है अपन को थायमिन के स्थान पर यूरेसिल और एक लाइनर पॉलीमर बनाना है। यह एक आरएनए की संरचना, ठीक है। यह जो आरएनए होता है यह डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को ग्रहण कर कोशिका के कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कि आरएनए ने, ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए ने आनुवांशिक सूचनाएं ली या कुछ मैसेज लिए और उनको कोशिका के कोशिका द्रव्य में जहां पर उनकी आवश्यकता थी वहां पे उनको स्थानांतरित कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। आरएनए बन कहां रहा है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में, केंद्रक के अंदर, ठीक है। यह जो संदेश है ये आनुवांशिक होते हैं, डीएनए से जो प्राप्त संदेश होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं। उन संदेशों में क्या निहित होता है संदेश? कि प्रोटीन संश्लेषण करना है, कि एंजाइम बनाना है, जो आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करते हैं। जो डीएनए के पास जो संदेश होते हैं वो कैसे होते हैं? आनुवांशिक। संदेश, ये संदेश कैसे होंगे? आनुवांशिक, जिनमें क्या संदेश है? प्रोटीन सिंथेसिस प्लस एंजाइम संश्लेषण का या सिंथेसिस का, ये सब संदेश होते हैं। यह आनुवांशिक होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करते रहते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन करते रहते हैं डीएनए, क्लियर है। इसी आधार पर अपन आरएनए को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वो आरएनए जो जेनेटिक होते हैं और एक वो आरएनए जो जेनेटिक नहीं होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। तो आरएनए का क्या कार्य क्या हुआ, फिर से समझा दे रहा हूं। ये कोई कोशिका है, ये कोशिका के अंदर का कोशिका द्रव्य है। आरएनए कहां बनेगा? ये आरएनए कोशिका के केंद्रक में, स्पेशली न्यूक्लियोलस। यहां पर यह डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं लेकर कोशिका के कोशिका द्रव्य में यहां पे बाहर आ गया, बना केंद्रक के अंदर, यहां से इसने डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं ली और बाहर कोशिका के कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में ये ट्रांसफर हो गया। ना समझ में आया? ठीक है। अब मैंने कहा कि आरएनए जो होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट तो है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। यानी एक तो आनुवांशिक आरएनए और एक अनआनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली इस पॉइंट में कि प्लांट वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? प्लांट वायरस में, प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात डीएनए के स्थान पर आनुवांशिकी या जेनेटिक से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम ये आरएनए करता है। जबकि नॉन जेनेटिक आरएनए या अनआनुवांशिक आरएनए, इनमें क्या होता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का या जेनेटिक्स का जो काम होता है वो डीएनए के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है आरएनए की जगह पर? डीएनए होता है। जबकि ये जो आरएनए है इनका क्या काम रह जाता है? ओनली प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस। तो ऐसे आरएनए जो जेनेटिक होते हैं वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल का काम करेंगे प्लांट वायरस में, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या है? जेनेटिक आरएनए। लेकिन ऐसे आरएनए जो जेनेटिक नहीं होते हैं
वह ओनली प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं और जेनेटिक मटेरियल का काम आरएनए के स्थान पर उनमें डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो ये अपन ने आरएनए के दो टाइप्स के बारे में भी बात कर ली कार्यों के आधार पर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आरएनए। जैसे आपने बताया भी था जब आप सैटरडे को आए थे कि सर तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये प्रकार जो है आरएनए के, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरआरएनए और टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, इनकी अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।